नमस्कार भाइयों और बहनों। भाइयों आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप हमेशा सुखी रहें और उन्नति करते रहें। यही मेरी कामना है, यही मेरी खुशी है। मैं जब तक आपके सामने हूँ, इस दुनिया में हूँ, आपको नुस्खे बताते रहूँगा और आयुर्वेद की जड़ी बूटियों से अवगत कराता रहूँगा। अब उसके ऊपर अमल करना आपका काम है कि आप इतनी गहरी एंटीबायोटिक खा के जिंदा रहना चाहते हैं या फिर आयुर्वेद की जड़ी बूटियां खाकर हेल्दी रहना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं नुस्खा बताने से पहले एक रिक्वेस्ट किया करता हूं कि जो भी नए आ रहे हैं मेरे चैनल पे, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरा ये चैनल रवि गिरी बाबा का सच, इसको आप सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल आइकन है यानी घंटी का निशान है उसको दबा दें तो ऐसे वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, मैं आज आपको वो चीज बता रहा हूं जो आपने शायद आप पहली बार सुनोगे, हालांकि आपके सामने रहती है ये चीज जिसको साबूदाना बोलते हैं और आपको सिर्फ इतना ही पता है कि साबूदाना सिर्फ और सिर्फ उपवास के दिन स्त्रियां खाती है। लेकिन साबूदाना कैसे बनता है, कहां से बनता है और क्या क्या काम करता है, कितने गुण होते हैं इसमें, उसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है। वही आपको बताने जा रहा हूं कि आप इसको मामूली सी चीज मत समझिए। ये कोई पेड़ का बीज नहीं होता, ये कहीं खेतों में नहीं उगाया जाता। आपको बता दूं, ये फैक्ट्री में बनता है और एक अफ्रीका में पाया जाने वाला वृक्ष होता है जिसका नाम होता है सागो। ये पाम वृक्ष की तरह ही होता है, तो सागो पाम बोलते हैं इसको। तो सागो पाम नामक वृक्ष के गूदे से बनाया जाता है। भारत में भी बनता है। भारत में एक पौधा होता है जिसका नाम होता है हैवी ओका। हैवी ओका को वैसे अमूमन लोग कहते हैं कसावा। तो ये कसावा के तने के गूदे से बनाया जाता है। तो इसको पहले तने से गूदा निकाला जाता है, फिर इसको पानी के अंदर रखा जाता है, फिर इसके अंदर फाइबर बहुत ज्यादा मात्रा में आ जाता है, तो इसको फिर मशीनों के द्वारा सुखाकर इसका गोल दाना बनाया जाता है। इस प्रकार साबूदाने का निर्माण होता है। इसमें फाइबर की मात्रा बहुत होती है। आपको ये बता दूं कि इसमें कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा होता है, वैसे कैल्शियम भी होता है इसमें, विटामिन सी भी होता है इसमें, लेकिन कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। और इसके कारण सबसे बड़ी बात तो ये कि ये भूख नहीं लगने देता, इसीलिए तो इसको व्रत में खाते हैं, उपवास में खाते हैं कि भूख ना लगे। और ये भूख नहीं लगने देता इसीलिए तो ये मोटापा कम करने के लिए इसको खाया जाता है। ये भूख नहीं लगने देता तो मोटापा कम करने के लिए इसको खाते हैं, क्योंकि ये भूख नहीं लगने देता। और हम जितना खाना खाते हैं उसका चौथा हिस्सा बड़ी मुश्किल से खाना खाएंगे। इसका फाइबर होता है वो भूख की पूर्ति बिल्कुल कर देता है। विटामिन भी होता है इसमें, कार्बोहाइड्रेट होता है। दूसरी बात कि ये पाचन तंत्र को बहुत मजबूत रखता है, क्योंकि ये खाने में हल्का होता है तो ये गैस नहीं बनने देता, ये आपके एसिडिटी नहीं बनने देगा, आंतों को एकदम हल्का फुल्का रखेगा, आंतों को एकदम साफ कर देगा। ये आपके एनर्जी बहुत बढ़ाता है, एनर्जी बूस्टर का काम करता है। ज्यादातर लोग इसको
एनर्जी बूस्ट करने के लिए खाते हैं। व्रत में भी इसीलिए खाया जाता है, क्यों व्रत में अन्न नहीं खाया जाता ना, तो ग्रहणियां जो होती है उनको काम भी करना पड़ता है। वो अपनी एनर्जी बनाने के लिए साबूदाना की खीर खाया करती है, ये एनर्जी बहुत अच्छी बढ़ाता है। पेट की किसी भी प्रकार की समस्या है, हर समस्या का समाधान साबूदाना के पास में होता है। इसको आप लगातार खाइए, ये आपके मसल्स को एकदम से मजबूत करेगा। जो आपके हाथ पैर के ये मसल्स बिल्कुल ढीले पड़ गए हैं, इनको एकदम से तंदुरुस्त बना देगा, एकदम से निरोग बना देगा और आपको एकदम लोहे जैसा बदन बना देगा आपका। ये कई दिन लगातार इसको खा के देखिए। साबूदाना इतनी अच्छी चीज होती है क्योंकि इसके अंदर फाइबर की मात्रा अधिक होती है, कार्बोहाइड्रेट होता है ना, इसके कारण ये इन सब बीमारियों को ठीक करता है। ये आपकी हड्डियों को बहुत मजबूत करेगा, हड्डियां कमजोर हो जाती है तो हड्डियों को ये बहुत मजबूत करेगा क्योंकि इसमें कैल्शियम होता है। कैल्शियम के कारण हड्डियां आपकी बहुत मजबूत हो जाएगी, पाचन तंत्र को मजबूत करेगा, वजन घटाने में बहुत कामयाब है। वजन घटाने वाले जो शौकीन होते हैं लोग, अपने आप को पतला बनाना चाहते हैं तो वो अपना वजन घटाते हैं, तो वो उनको साबूदाना खाना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए, साबूदाना खाएंगे तो आपकी एनर्जी लेवल वैसा का वैसा रहेगा और साथ में आपका वजन भी बहुत जल्दी घटेगा। आप इसको करके देखें, मैं यूं ही नहीं कहा करता, आप करके देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि बाबा ने जो बात कही है बिल्कुल 100% सही कही है। आपकी एनर्जी कम नहीं होगी, एनर्जी को बिल्कुल ये मेंटेन करके रखेगा। आप चाहे 3 दिन तक भोजन ना करें, इसको खाते रहें साबूदाना को, आपकी एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एनर्जी को बिल्कुल बना के रखेगा ये। तो मैंने जितनी बीमारियां बताई है सब में ये काम करता है साबूदाना। तो आप साबूदाना का भी प्रयोग करके देखिए, उपयोग में लाइए और फिर देखिए इसका कमाल के ये कितना आपके लिए लाभकारी है और कितना काम करता है। मात्र ये मत मानिए कि ये सिर्फ ग्रहणियों के काम का है और वो भी व्रत में काम का है, ऐसा सोच के इसको यूं छोड़ना ठीक नहीं है। इसलिए एक बार आप यूज करके देखिए, मैंने जितनी बातें बताई है आपको 100% सही मिलेगी। तो आप ये करके देखिए, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।